तो गाइस आप लोगों को मेरे सामने बहुत ही बड़ा केबल स्टेज ब्रिज दिख रहा होगा, जो कि केबल पे बना हुआ है, मोटे मोटे वायर पे बना हुआ है। तो बहुत लोगों को देख के लग रहा होगा ये दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है, लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये सिग्नेचर ब्रिज से बहुत टाइम पहले बना हुआ है और ये पूरा केबल पे बना हुआ है, ये झूलता हुआ ब्रिज है। तो इसका लोकेशन देख के जो आसपास के लोग हैं वो जान गए होंगे कहाँ का ब्रिज है। तो अंदर से तो आपको नहीं बता पाएंगे, अगर आप अगल बगल की लोकेशन में आपको भी दिखाता हूँ तो शायद आप लोग जान जाएं। तो ये बहुत ही बड़ा ब्रिज है, ये अराउंड 2-3 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ब्रिज है, यही ये कौन सा ब्रिज है, इसको जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो आइए आगे जानते हैं। देखिए अभी हम लोग आए थे नैनी ब्रिज पे, तो ये है इलाहाबाद का नैनी ब्रिज, महवापुर जिसे कहते हैं, और ये झूलता हुआ ब्रिज है, आप देख रहे हो झूलता हुआ ब्रिज है। तो अभी हम लोग घूमने आए थे तो हम एक ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए मोटी मोटी ये रस्सियों पे बना हुआ है झूलता हुआ ब्रिज, देख सकते हो सारे मोटे मोटे तार लगे हुए हैं रस्सी की तरह, और ये झूलता हुआ ब्रिज है, इसमें से जब ट्रक वगैरह जाती है तो ये हिलता है। देखिए कितना ऊँचा पिलर है इसका, बहुत ही बड़ा पिलर है, बहुत ही ऊँचा। तो ये झूलता हुआ ब्रिज है और यहाँ का व्यू देखिए बहुत ही मस्त नज़ारा आ रहा है। ओ फंस जाओगे, अंदर मत जाओ, फंस जाओगे इसमें, निकलोगे नहीं, फंस जाओगे, मत जाओ। तो आइए हम लोग आप लोगों को करीब से दिखाते हैं जो नज़ारा यहाँ का हो रहा है, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो देखिए मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। पकड़ो इसको, उस साइड जाने का रास्ता नहीं है, उधर जाएंगे, उधर जाने का रास्ता नहीं है यहाँ पे, तो हम थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। देखिए यहाँ से रास्ता भी यहाँ से नहीं है, पीछे से था, अगर एकदम एंट्री हम जब करते हैं ना, एंट्री के पास ही है, उसका जाने का रास्ता था, वहाँ से बिल्कुल क्लोजर व्यू आता, लेकिन अभी देखते हैं कोई जुगाड़ लगाते हैं, अगर वहाँ हम जा सकते हैं तो बिल्कुल आपको दिखाएंगे, जुगाड़ लगा के दिखाते हैं। तो देखिए वो शायद सरस्वती घाट है, तभी मैं आपको वहाँ की वीडियो भी दिखाऊँगा सरस्वती घाट की, वो सामने सरस्वती घाट है, वहाँ बोटिंग वगैरह होती है, तभी चल के देखेंगे, मॉर्निंग का समय है, बोटिंग वगैरह हो रही है नहीं हो रही है, सारी वीडियोस में आपको हम दिखाएंगे। तो लाइव बने रहिए, देखिए बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है, मैं उस साइड जाता हूँ, साइड जाता हूँ रेहान, तुम इधर जाओ। तो चलिए चलते हैं उस साइड, इधर से देखते हैं कहीं रास्ता वगैरह है कि नहीं, तो इस पर चढ़ के जाना पड़ेगा थोड़ा सा, इसके ऊपर ड्राइवर से डिवाइडर से, और देखिए बोट्स वगैरह चल रही है यहाँ पर सामने से, गया है चढ़ के उस साइड, उस पर चढ़ के आ गया, तो इस साइड हम आ गया, ये हिल रहा है बोट अभी, ये पूरा जंप कर रहा है। तो आइए दिखाते हैं सामने का व्यू, दूर रहना बेटा, पानी से दूर रहना, ओ माय गॉड बहुत ही खतरनाक, बहुत ही नीचा है ये, बहुत ही नीचा है, डर लग रहा है, ये पूरा हिल रहा है जब गाड़ी जा रही है, तो देखिए ओ माय गॉड। तो सामने से देखिए वहाँ से बोट जा रही है, वो बोट निकल रही है पुल के ब्रिज जस्ट नीचे से, तो चारों तरफ आपको बोट दिखेगी, चारों तरफ बोट ही बोट चल रही है इसमें। तो ये मैन चप्पू से जो चलती है, देखिए ये चप्पू वाली बोटें चल रही है सब इसमें, चप्पू बोट, चप्पू बोट है, चप्पू बोट इधर रही है, एक उधर है, और आगे बहुत सारी हैं। तो बहुत सारी बोट आपको दिख रही है, देखिए एक यहाँ से जा रही है, बिल्कुल क्लोजर, क्लोजर नहीं है काफ़ी ज़्यादा, जूम करते हैं, बिल्कुल क्लोजर आगे, देखिए कौन कौन बैठा हुआ है इसमें, आपको सब दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें बैठे हुए हैं। तो देखिए वहाँ पे है संगम, आपको संगम कहाँ पे, वो जो आपको सामने किनारा दिख रहा है ना, वो है संगम, तीन ही है, गंगा यमुना सरस्वती, यहाँ पे लोग स्नान करने आते हैं, माघ मेला वहीं पे लगता है संगम पे, दूर रहो रेहान दूर रहो, तो ये है संगम, तो तीनों नदियों का संगम यहाँ पे होता है, गंगा यमुना सरस्वती। तो अभी हम लोग यमुना के ऊपर हैं, ये यमुना ब्रिज है जो अभी जहाँ पे हम लोग हैं, देखिए ये यमुना ब्रिज है, यमुना ब्रिज है ये, और आगे जाके गंगा निकलेगी, जो उस साइड से जाके राइट साइड से जा रही है वो गंगा है, जो लेफ्ट साइड से आ रही है वो सरस्वती है, और अभी हम खड़े हैं यमुना के ऊपर, तो गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियों का संगम है यहाँ पे। रेहान कहाँ चल रहे हो, गिर जाओगे, अरे अरे आराम से आराम से, देखिए रेहान डाक के उस साइड चला गया, बीच से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है तो हमें डाक के आना पड़ा इस साइड, बार बार बताओ बेटा गिर जाओगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा आ रहा है, यमुना पुल इसे महवा पुल भी कहते हैं, और ये झूलता हुआ ब्रिज है, जैसे कि दिल्ली में अभी नया बना है, यहाँ बहुत पहले से है ये, तो काफ़ी बढ़िया नज़ारा आ रहा है। तो बैक में देखें पुल है अराउंड 2-3 किलोमीटर का, हाँ, और सामने से जो ब्रिज मैं आपको अभी दिखाऊँगा, सामने से वो ब्रिज है आपका जो
100 ईयर्स ओल्ड ब्रिज है, ट्रेन चलती है वहाँ से, ट्रेन वगैरह जाती है, वो ट्रेन वाला ब्रिज है। तो आइए अब आपको हम ले चलते हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के पास। एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जो कि पानी के ऊपर तैर रहा है और वहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती है। तो चलिए हम बोटिंग वगैरह आपको दिखाते हैं। तो रेहान कर रहा है ड्राइविंग और कैमरे की कमांड मेरे हाथ में है और रेहान चला रहा है बाइक। तो देखिए बहुत ही बढ़िया बाइक चलाता है ये, और सफ़र और भी सुहावना, मजे आने वाले हैं। वीडियो में लाइन में बने रहिए, स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के पास। सामने है स्पीड बोट, बहुत ही स्पीड से चलती है ये, और इधर देखिए ये बड़ी वाली बोट है जो आपको दिख रही है, बोट है, बहुत ही बड़ी बोट है, इसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। और ये है सामने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो कि पानी में तैर रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा है। अभी सामने इसके अंदर पार्टी चल रही थी, अदरवाइज हम अंदर जाके दिखाते हैं। अभी बुक है ये पूरा, किसी ने बुक कर रखा है। हेलो गाइज, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम लोग आए थे प्रयागराज, तो यहाँ पे सरस्वती घाट है प्रयागराज में, और यहाँ पे देखिए हम लोग बोटिंग करने आए थे। तो अभी बोटिंग अभी ऑन नहीं है, ये बड़ी वाली बोट अभी चल नहीं रही है। और यहाँ पे फ्लोटिंग ब्रिज है जिसपे हम लोग चल के, तैरता हुआ ब्रिज। और इधर है रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, देखिए सारी नाव, ये बोट लगी हुई हैं। और इधर किसी पर्सनल प्राइवेट पार्टी चल रही है, तो अभी इसमें जाना अलाउ नहीं है, तो हम लोग बाद में जाएंगे इसमें। तो फ्लोटिंग जिसपे हम लोग चल रहे हैं ब्रिज भी फ्लोटिंग है ये। तो चलो देखो नाव वगैरह सारी चल रही है उस साइड से, चलो आ जाओ ऊपर से, ऊपर से चलो अभी। हाँ चलो उस साइड, आगे चलो, आगे फटाफट चलो। तो रेहान चल रहा है अभी आगे आगे और हम चल रहे हैं अभी पीछे पीछे। तो गाइस देखिए वो सामने जो ब्रिज दिख रहा है ना आपको, वो वही ब्रिज है जिसपे अभी हम गए थे। देखिए यहाँ तक कितना छोटा दिख रहा है और बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। तो उसी ब्रिज पे थे अभी जो आपने देखा स्टार्टिंग में, वो यही वही ब्रिज था, महवा पुल नैनी ब्रिज। और सामने देखिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, व्यू बहुत ही बढ़िया आ रहा है। अभी किसी ने बुक कर लिया प्राइवेट पार्टी, तो हम आए थे ऐसे टाइम पे, ऑलरेडी इसमें किसी ने प्राइवेटली पूरा बुक किया हुआ है। अंदर पार्टी वगैरह चल रही है, अंदर नहीं जा पाए, नेक्स्ट टाइम जरूर जाएंगे, आपको अंदर से दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ से ब्रिज है, ये बहुत ही पुराना ब्रिज है, 100 साल पुराना। तो जो ब्रिज अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ ब्रिज है। तो अभी हम लोग आए थे ये सरस्वती घाट है, इलाहाबाद प्रयागराज में भी हैं सरस्वती घाट पर। तो देखिए क्या मस्त नज़ारा है पीछे का, बिल्कुल मस्त नज़ारा हो रहा है सरस्वती घाट प्रयागराज। तभी चढ़ान है, हम लोग चढ़ाई के ऊपर चल रहे हैं, रेहान आगे पहुंच चुका है और अभी हम लोग बैक में जाए। तो सामने आइए दिखाता हूँ मैं, एक होटल है, बहुत ही बड़ी होटल है सामने। चप्पू वाली नाव पे चलोगी? अच्छा रेहान, तो देख देखिए यहाँ पे होटल है त्रिवेणी दर्शन प्रयागराज। ओ माई गॉड, थक गए, धूप बहुत तेज है। अभी यहाँ पे एक बड़ा सा त्रिशूल बना हुआ है और स्टार्टिंग में आपको होटल मिलेगा और अंदर जाके तैरता हुआ रेस्टोरेंट मिलेगा आपको। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है अंदर जो कि बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है, देखिए बिल्कुल अच्छा बना रखा है उसको। लेकिन अभी किसी के अंदर तो भी एंट्री अलाउ नहीं करी हम लोगों ने, तो हम बाद में जाएंगे इसमें कभी। बोलो बोट के अंदर बैठना है, बोट के अंदर चलो देते हैं, नाव में चलें। धूप है इतना, मतलब तुम्हारी धूप लगा दो, बता दो, आओ वहाँ चलते हैं, आराम से चलो। यहाँ पे देखिए त्रिवेणी होटल है, जो त्रिवेणी दर्शन के नाम से प्रयागराज होटल है और इसके अंदर है सरस्वती घाट। तो अभी मॉर्निंग का टाइम था, इतना लोग अभी सही से सारी चीज़ें खुली हुई भी नहीं है और पर्यटक भी ज़्यादा आए नहीं हुए थे, तो इतना मज़ा नहीं आया। देखिए एक ट्रेन और दोबारा से आ गई वहाँ से, लोगों को आवाज़ आ रहा होगा, कहता हूँ। तो ये है पुराना ब्रिज, 100 साल पुराना, अंग्रेजों के ज़माने का ब्रिज है और इस पर ट्रेन अभी तक चलती है। देखिए तो आज के लिए इतना ही, अभी हम बिल्कुल थक चुके हैं, पसीना आ रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल पसीना पसीना हो गया हूँ देखिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।